हाय गाइस, आई एम शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल शालिनीज कॉर्नर। तो देखिए, आज मैं एप्पल्स बेक मोदक बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने कैसे बनाए हैं। मैंने लिया है इसके लिए ये एप्पल को मैंने इस तरह से कट किया है क्यूब्स में, और साथ में मैंने ली है ये एक छोटी कटोरी चीनी, और साथ में मैंने ले लिया है ये एक छोटा कप मिल्क का, और साथ में मैंने लिया है ये एक बटरस्कॉच एसेंस, ये मैंने फ़्लेवर के लिए लिया है। कुछ कलर्स लिए हैं मैंने, इलायची पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर, राइस फ्लोर एंड पिस्ता, काजू एंड घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेक मोदक बनाना। तो पहले मैं कढ़ाई गरम करूँगी और कढ़ाई में डालूँगी अपना ये मैं आटा डाला है मैंने। तो याद रखना, आपको आटे को सिर्फ रोस्ट करके इसका कच्चापन दूर करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। मतलब ये वाइट ही रहना चाहिए लेकिन कच्चापन चला जाना चाहिए। तो इसमें मैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। जब भी आपको इसमें खुशबू आने लग जाए चावलों में से, तो समझ जाइए कि आपका ये रोस्ट हो चुका है। तो देखिए, इस तरह से इसको रोस्ट करने में बहुत टाइम जाएगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे आपको हल्की आँच में रोस्ट करने के लिए। तो इस तरह से इसको अच्छे से रोस्ट कीजिए। और अब मैं एक ग्राइंडर लूँगी, उसमें एप्पल ऐड करूँगी और साथ में ऐड करूँगी छोटी कटोरी चीनी, और इनको अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी एक। तो इनका पेस्ट बनाएंगे, और देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये मेरा आटा भी ठंडा हो गया है, मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप दूध, छोटा कप लिया है मैंने, और इसमें साथ में ऐड करूँगी घी। घी मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इनको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, पहले हल्का कुनकुना होने देंगे। हल्का कुनकुना होने के बाद हम इसमें धीरे धीरे करके अपने चावल का आटा मिक्स करेंगे। चावल का आटा हमको एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए, जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, इस तरह से आप करिए तो आपके मोदक काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो देखिए, और एप्पल को मैंने खट्टा नहीं लिया, आपको खट्टा एप्पल नहीं लेना है, नहीं तो मोदक फिर खट्टे खट्टे हो जाएंगे आपके। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपको एप्पल एकदम मीठे लेने हैं, आपको पहले एप्पल को टेस्ट कर लेना है। और गाइस, मैंने एक स्टीम मोदक की रेसिपी और अपने चैनल पर डाली है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। वो भी एक अच्छी रेसिपी है, वो भी ट्राई कीजिएगा आप। तो देखिए, इस तरह से मैंने पूरा आटा डाल दिया है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मालूम चले कि ये मैंने किस तरह से बेक किया है इनको, मैंने पूरा प्रोसीजर डाला है इसका। तो देखिए, इसको हल्की आँच में हम बेक करते रहेंगे। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से, और इसको हिलाती रह रही हूँ साथ में। देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसमें एप्पल का पेस्ट, एप्पल और शुगर का पेस्ट जो मैंने बनाया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे मैंने एप्पल ये मोदक बनाया है, तो उसमें बहुत अच्छा एप्पल का फ्लेवर आता है मोदक में, आप बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे, और आँच को कभी भी तेज़ नहीं करना है, धीरा ही रखना है। पूरी रेसिपी में मैंने गैस को धीरे ही रखा है। अब मैं इसमें ऐड कर दी है मैंने अपने पिस्ते, तो मैंने पिस्ता ऐड किया है और काजू ऐड किए हैं। आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें अपना मिल्क पाउडर भी ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर को भी थोड़ा थोड़ा हाफ एंड हाफ में ऐड करना है, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमारे लम्ब्स बन जाते हैं, तो उनको फिर सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके ही अपने जो भी इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा उसको प्रेस करते हुए मिक्स करना है। तो देखिए, मैं इसमें सारा मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। मैंने दो बार इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, मतलब 2 बार सेट करके डाला है मैंने इसमें मिल्क पाउडर। तो इस तरह से इसको दबा दबा के हमको हल्की आंच में ही रोस्ट करते रहना है। देखिए, अभी ये थोड़ा सेट होने लगा है, और सेट हो भी गया है। अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल के करूँगी ठंडा, और फिर देखते हैं फिर मैं कैसे इसको बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है, और इस तरह से इसको प्रेस करके ठंडा कर लेंगे, और इसको अलग अलग पार्टीशन में मैं बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने 4 पार्टीशन किए हैं, और 2 में मैं डालूंगी अपना बटर स्कॉच एसेंस, ताकि इसका बटर स्कॉच वाला फ्लेवर आएगा, और 2 को मैं एप्पल फ्लेवर में रहने दूंगी। तो मैं 2 को साइड में निकाल लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे करके मैं इनमें कलर ऐड करूँगी। तो पहले मैंने ये लिया है, और मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, पूरा फैला लेंगे प्लेट में। और इसमें मैं येलो कलर बना रही हूँ, तो मैंने येलो कलर ऐड किया है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से घी लगाएंगे, अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो घी लगाते हुए इसको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, तो इसमें कलर ऐड होता जाएगा अपने आप। तो देखिए, ये अपने आप ही धीरे धीरे करके डार्क हो गया है।
तो इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये चिकना भी हो जाएगा और इसमें कलर भी ऐड हो जाएगा अच्छे से। देखिए अभी इसने घी भी दिखाना शुरू कर दिया अपना और ये येलो हो गया है। तो इस तरह से मैंने सारे कलर्स बना लिए हैं, चार कलर बनाए हैं मैंने। तो देखिए मैंने मोल्ट लिया है, ये मोल्ट आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए प्लास्टिक का भी मिलता है, स्टील का भी मिलता है और हर डिज़ाइन में मिलता है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें चार कलर बनाए हैं, तो चारों साइड से मैं इसको अलग अलग कलर में फिल करूँगी। देखिए इस तरह से इसको फिल करना है और अंदर उंगली से इसको सेट कर लेना है दूसरे कलर्स को ऐड करने के लिए। इसमें स्पेस बनानी है और येलो कलर ऐड कर रही हूँ अब मैं। देखिए इस तरह से, और जितना एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे साइड में। तो गाइज ये मोदक बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं और इनको बेक करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। हम गणपति बाबा के लिए हर स्टाइल में मोदक बना सकते हैं। गणपति बाबा को मोदक अच्छे लगते हैं तो हमको डिफरेंट स्टाइल में उनके लिए मोदक बनाने चाहिए, अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा बैटर निकाल दिया है और उसको प्रेस करूँगी इस तरह से और साइड से भी चारों तरफ से इसको घुमा के मैं इसकी अब निकालूँगी पिन और देखते हैं कैसे बना है। देखिए इस तरह से मैं खोलूँगी इसको तो देखिए वाओ कितना अच्छा कलर बना है गाइस इसका। देखिए लुक एट कितना अच्छा बना है, मल्टी कलर का पिंक कलर नीचे आएगा। और इस तरह से मैंने सारे मोदक बना लिए हैं और अब मैं इनको करूँगी बेक। देखिए ये मैं 3 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करिए, नहीं तो ये अंदर से बहुत टाइट हो जाएंगे और खा नहीं पाएंगे आप इनको। तो देखिए गाइस मेरे मोदक बनके रेडी। तो गाइस अगर आपको मेरा ये मोदक बनाने का स्टाइल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मोदक रेसिपी। तो आप भी इस तरह से डिफरेंट स्टाइल में मोदक बना सकते हैं, गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है तो आप भी ट्राई कीजिए। तो देखिए ये मैं एक मोदक आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको मालूम चले कि अंदर से कैसा बना है। मैंने इसको बेक किया था 3 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह से अंदर से बनेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा अलग टाइप का मैंने बनाया है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो गाइस ये था मेरा वीडियो, तो ओके फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।